गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, जसवीर मेमोरियल शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम तुम्हें प्रमेय पढ़ाएंगे। इसमें 11.1 जो थेल्स प्रमेय है वो हम आज शुरू करते हैं। प्रमेय है, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। प्रिय विद्यार्थियों, किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी एक भुजा के समांतर, तो डी और यहां पर ई, ये तुम्हारा चित्र हो गया। अब इसको साफ कर देते हैं। आप देखिए, तो इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी डी ई रेखा ए बी व ए सी को डी रेखा ए बी व ए सी को डी व ई बिन ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध करना है काटे गए रेखाखंड समान अनुपात में विभाजित होते हैं। तो काटे गए रेखाखंड हैं ए बी और एसी, तो समान अनुपात में, तो एडी बट्टे डीवी, एई बट्टे ईसी, एडी बट्टे में डीवी, एई बट्टे ईसी, ये सिद्ध करना है। अब रचना, अब इसमें रचना करेंगे। देखिए, यहां से ये लंब डालेंगे, बी को ई से मिलाओ, सी को डी से मिला दिया, बी को ई, सी को डी से मिलाया, और बच्चों क्या किया है, ई एफ लंब किस पर है, ए बी पर, ई एफ लंब ए बी, डी जी लंब ए सी पर खींचा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना आप समझ गए होंगे। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो काटे गए रेखा
काटे गए रेखाखंड समान अनुपात में विभाजित होते हैं, यह प्रमेय है। तो हमने लिख दिया त्रिभुज एबीसी में बीई समांतर बीसी, बीई जो रेखा है वो एबी व एसी को बिंदु डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है समान अनुपात, तो काटे गए रेखाखंड एडी बट्टे में डीबी और एई अपोन में एसी। रचना क्या किया, बी को ई सी को डी से मिलाया, ई एफ लंब एडी और बीजी लंब एसी पर खींचा, इतना उतार लीजिए। अब देखिए, अब हम इसकी उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति इतना आपने कर लिया होगा, आप देखिए इसमें समझना है आपको। अब यहां पर उपपत्ति देखिए आप, अब देखिए ये है, ये तुम्हारी ए बी रेखा है। बहुत सरल प्रमेय है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये लंब है एफ, ये लंब इसलिए डाला है क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक बट्टे दो आधार गुणा ऊंचाई। एक बार त्रिभुज लेंगे ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई, ये एक ही आधार ए बी पर है, इनका उभयनिष्ठ शीर्ष है वो क्या है डी है, और तो इसके लिए उभयनिष्ठ ऊंचाई हो जाएगी तुम्हारी बच्चों क्या ई एफ। देखिए त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज बी डी ई की उभयनिष्ठ ऊंचाई, उभयनिष्ठ ऊंचाई ई एफ, ई एफ। अब देखिए तो त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल नीचे लगा लो इसका, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए आर का मतलब एरिया। और अब इसमें देखिए एक बट्टे दो आधार इसका एडी में, एडी लेंगे बता दिया हमने क्योंकि एक ही रेखा पर हैं दोनों के आधार और इनका उभयनिष्ठ जो शीर्ष है वो डी है, तो इसलिए इनकी उभयनिष्ठ ऊंचाई भी ई एफ हो गई। एडी गुणा ई एफ अपॉन ऐसे वन अपॉन टू, इसका आधार तुम डी भी लेंगे ऊंचाई ई एफ, तब वन अपॉन टू से वन अपॉन टू कट गया, ई एफ से ई एफ गया, तो बचा क्या ये तो ये बचा तुम्हारा ए डी बट्टे डी बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अब देखिए इधर आपकी भुजा एसी है ए और सी, आप ध्यान से देखिए, आपको रटना नहीं है, प्रमेय रटी नहीं जा सकती, आप प्रमेय को सीखा जाता है। ये हमने एसी ले लिया, ये मैं साफ कर देता हूं, आप लिखना चाहते हो तो लिख लें एसी ये आकृति, यहां ए है और यहां सी है प्यारे विद्यार्थियों, यहां ई है।
यहाँ ये डी है, यहाँ से इस पर लंब है जी, तो इसका त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज सी डी ई इन दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष ई हो गया और एक ही आधार ए सी पर दोनों आधार हैं ए और ई सी, तो इसके लिए उभयनिष्ठ ऊंचाई प्रिय विद्यार्थियों डी जी होगी। तो यहां फिर लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई अपॉन में एरिया त्रिभुज सी डी ई, तो 1/2, अब इसका आधार लेना है तुमको ए, आधार ए ही लेंगे तो इसके लिए ऊंचाई लगाएंगे क्या डी जी, और 1/2 अब इसके लिए आधार क्या लेंगे ई सी, अपॉन डी जी 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, डी जी से डी जी गया, तो ये बचा ए अपॉन ई सी। आपको ध्यान भी रखना है कि पहले जो हमने सिद्ध करना में था क्या करना था, सिद्ध करना था ए डी बट्टे डी बी और ए बट्टे ई सी, तो इनको तुम्हें आधार मानना है, तो ये चार त्रिभुज हो गए तुम्हारे। तो हमने तुम्हें खोल के बता दिया, एक तरफ ए बी भुजा लेके बताया है, दूसरी तरफ ए सी भुजा लेके बता दिया, और इसकी ऊंचाई जो वेनिस्ट ऊंचाई डी जी हो गई, ये समीकरण हो गया 2। अब देखिए त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई का उभयनिष्ठ आधार डी और दो समांतर रेखाओं डी ई और बी सी के मध्य स्थित है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हों तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो यह त्रिभुज त्रिभुज बी डी ई व त्रिभुज सी डी ई का उभयनिष्ठ त्रिभुज बी डी व त्रिभुज सी डी एक ही आधार, एक ही आधार डी ई व समांतर व समांतर रेखाएं डी ई समांतर बी सी के मध्य स्थित है, तो इसलिए एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया त्रिभुज सी डी ई, समीकरण नंबर 3। अब तीनों की तुलना कर देंगे, अब इतना लिख लो, आगे मैं साफ कर रहा हूं इसको, त्रिभुज ए डी ई था 1/2, इसका आधार लिया था ए डी और ऊंचाई इसकी ई एफ थी। अब समीकरण 1, 2, 3 से तुलना करेंगे, ए डी से तो ए डी, बी डी से बी डी, सी डी से सी डी, ये कैंसिल हो गए, तो इधर पीछे बचा ए अपॉन ई सी, इधर ए डी बट्टे डी बी, तो इधर पीछे बचा ए डी बट्टे डी बी और ए बट्टे ई सी। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, तीनों की तुलना करने पर मैंने बता दिया आपको, ए डी से ए डी, बी डी से बी डी, सी डी से सी डी, इन तीनों की तुलना हो गई,
तो यहाँ बचा AD बट्टे DB, AE बट्टे EC, तो AD बट्टे DB और AE बट्टे EC, यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। परीक्षा की दृष्टि से बच्चों ये महत्वपूर्ण प्रमेय है, मैंने आपको समझा दिया, आपकी समझ में आया होगा, आप इसका रिवीजन कर लें। अगली प्रमेय बच्चों देखिए, अगली प्रमेय 12.8, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रमेय है। सिद्ध कीजिए एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये प्रमेय 12.8 है, आप इसको लिख लीजिए, आप समझेंगे, कोई हार्ड नहीं है कुछ भी, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हो सकता है 6 नंबर आ जाएं, क्योंकि आपको पढ़ना तो सारा ही होगा। तो देखिए किसी चाप द्वारा पहले वृत्त बनाएंगे, ये वृत्त बना दिया, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, तो यहां पर ये केंद्र है, ये चित्र बनाएंगे इसका पहले, आज इसको हम तो मैं नंबर डाल के प्रमेय समझाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण AOB और वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण हो गया AOB, वृत्त के शेष भाग पर बना कोण हो गया ACB, ये लिख देंगे दिया में। सिद्ध करना है कि केंद्र का कोण दुगुना होता है, अगर ये 50 डिग्री है तो ये 100 डिग्री हुआ। अब इसको सिद्ध कैसे देखो, तो यहां पर हमने नंबर डाल लिया, कोण 1 कोण 2 इधर 3 और ये कोण 4, यहां लिख दिया 5 और ये 6, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब मैं इसका दिया लिख रहा हूं, ये साफ कर देता हूं, दिया है, वृत्त के केंद्र पर चाप AB द्वारा, तो यह लिखेंगे चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है AOB व शेष भाग पर बना कोण है, शेष भाग पर बना कोण ACB है, ACB है। अब सिद्ध करना है केंद्र का कोण दुगुना होता है, तो देखिए केंद्र का कोण है तुम्हारा AOB, यहां लगा लिया इक्वल टू बराबर का निशान लगा लिया यहां पर कोण ACB। अब ये दूना ये होता है तो 2 का गुणा इधर करेंगे, हमने पहले भी समझाया था कि बराबर करने के लिए ये दूना है तो 2 यहां लाएंगे, तो यहां लिख देंगे 2 कोण ACB, 2 कोण ACB। अब देखिए रचना, कुछ भी डाल लो, एम डाल लो, तीर लगा लो, रचना में लिख दो C को
ओ से मिलाते हुए एम तक बढ़ाया या जो भी है, सी को से मिलाते हुए एम तक बढ़ाया। अब उपपत्ति, प्रिय विद्यार्थियों देखिए, एओ बराबर ओसी, वृत्त की समान वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, ये बताया हुआ है। त्रिज्याएं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए AO बराबर OC। जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो इसलिए त्रिभुज AOC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कैसा? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो AOC तुम्हारा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। जब भुजाएं बराबर होती हैं तो बराबर भुजाओं के समकोण भी बराबर होते हैं, इसलिए कोण एक बराबर कोण दो, इसलिए कोण एक बराबर कोण दो। समान भुजाओं के समकोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण समान होते हैं। आपको पहले करवाया हुआ है, अगर आपके पास नहीं लिखी हुई है तो आप इसको लिख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रमेय है, आप सीख भी लेंगे। अब देखिए, त्रिभुज एओसी का बहिष्कोण कोण 5 है, तो हम जानते हैं 9th क्लास में पढ़ा है, त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोण के मान के योग के बराबर होता है। तो 5 का कोण, 5 बहिष्कोण है त्रिभुज एओसी का, तो कोण 1 और कोण 2 दोनों का योग इस कोण 5 के बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज एओसी का कोण 5, त्रिभुज एओसी का बहिष्कोण है, वह इस कोण है। तो इसलिए कोण 5 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। अब हमको नीचे वाले कोण से मतलब नहीं है, कोण 1 बराबर कोण 2 पहले ही हमने सिद्ध किया हुआ है। ऊपर देखिए, यहां पर ये लिख दिया है ऐसे करके, तो हम 2 की जगह लिख देंगे कोण 1, क्योंकि हमें ऊपर वाला कोण चाहिए। तो कोण 5 बराबर कोण 1 प्लस कोण 1, यहां लिखो तो लिख दो कोण 1 बराबर कोण 2 है, इसलिए तो कोण 5 बराबर 1 और 1 2, 2 कोण 1, समीकरण नंबर 1। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इसी प्रकार करके कर देंगे, इसी प्रकार अब आपको इतना नहीं लिखना है। इसी प्रकार त्रिभुज बीओसी का बहिष्कोण कोण 6, तो कोण 6 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखो कोण 6, अब हम 4 नहीं चाहिए, 4 की जगह हम लिख देंगे 3, कोण 3 प्लस कोण 3, तो कोण 6 बराबर 2 कोण 3, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब मैं इसको साफ कर देता हूं,
इतना लिख लिया होगा आपने या लिखा हुआ है आपके पास, देखिए आप समझना है इसको। समीकरण एक व दो को जोड़ने पर समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर, तो देखिए आप समीकरण एक कितना है प्रिय विद्यार्थियों, कोण पांच उसका कोण ले लेंगे छह बराबर दो कोण एक प्लस दो कोण दो, कोण पांच और छह को दोनों को जोड़ देंगे तो इसका नाम पूरा लिखेंगे ए ओ बी, तो इधर यहां लिख देंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण, इसमें दो कोमन ले लिया तो कोण एक प्लस कोण दो, तो कोण ए ओ बी इसका लिखा वैसे ही इसका नाम लिखेंगे एक और दो, दो कोण तीन सॉरी, अब कोण एक और तीन, कोण एक और तीन की जगह पूरा नाम लिखेंगे कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, ये आपकी प्रमेय सिद्ध हो गई इति सिद्ध। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों प्रमेय अच्छी तरह समझ में आई होंगी, आप थोड़ा इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रमेय आ जाएंगे दोनों। प्रिय विद्यार्थियों अब प्रश्न नंबर तीन, हमने दो प्रमेय करवाई, एक ये प्रश्न करवा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अध्याय 11 में एग्जाम्पल नंबर ये 10 है, आपको ये एग्जाम्पल बड़ा दिखाई देता है लेकिन मैं आपको इसको बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा। आप देखिए त्रिभुज एबीसी की भुजा समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों वो समबाहु त्रिभुज होता है, तो ए बी सी बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर एक बट्टे तीन बी सी, तो इसके तीन हिस्से वन टू थ्री हो गया, तो एक बिंदु यहां डी इस प्रकार है कि बी डी बराबर एक बट्टे तीन बी सी। अब देखो किसको करेंगे कैसे सिद्ध करना है, नौ ए डी स्क्वायर बराबर सात ए बी स्क्वायर, तो बच्चों इसको हमने पहले इसको मिला लिया, अब यहां से हम लंब डालेंगे, ई लंब डालते ही त्रिभुज ए बी ई समकोण त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए डी ई भी समकोण त्रिभुज हो गया, पाइथागोरस प्रमेय लगेंगी। देखिए तो पहले हमें लिखना है, सिद्ध कर दिया है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसमें बी डी बराबर एक बट्टे तीन बी सी है, यह हो गया आपका दिया है। सिद्ध करना है नौ ए डी स्क्वायर बराबर सात ए बी स्क्वायर, ये आपको इसमें सिद्ध करना है। रचना ए ही लंब बी सी पर खींचा, देखो यहां से हमने बी सी ए ही लंब बी सी पर डाला है, तो यही रचना हम लिख देंगे ए ही लंब
बीसी पर खींचा। इतना तो आप लिख सकते हैं, प्रश्न में ही दिया हुआ है, सिद्ध करना भी आया है, रचना जो आपने की है। अब मैं उपपत्ति आपको सिखाता हूं। आप देखिए, ये लिख लिया होगा आपने, उपपत्ति, उपपत्ति। अब ये समझना है, संवा त्रिभुज में सम्मुख शीर्ष से अगर लंब डाला जाए, संवा त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो वह लंब सम्मुख भुजा को समान दो भागों में विभाजित करता है। मतलब BE बराबर EC हो गया, या BE बराबर 1/2 BC लिख सकते हैं। त्रिभुज AB, देखिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या है, AE लंब BC। तो मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो उस भुजा को दो भागों में बांटता है, उस भुजा को समद्विभाजित करता है। देखिए, तो हमें यहां पर चाहिए, देखो बच्चों, BE बराबर हम लिख देंगे 1/2 BC। BE बराबर 1/2 BC। अब देखो, केवल इसमें दो ही चीज समझना है, हमें इस त्रिभुज को तैयार करना है, इसको, इस भुजा का AD तो तुम्हें सिद्ध करना में है ही, तो AD रखना है। AE का मान निकालना है और DE का निकालना है। तो पहले हम त्रिभुज ले लेंगे ABE, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, समकोण त्रिभुज ABE में पाइथागोरस प्रमेय से कैसे करते हैं, यह लंब हो गया, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो यह लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो हमें लंब निकालना है। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण का नाम AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, AE स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AB चाहिए आपको, BE की जगह हम लिख देंगे 1/2 BC, 1/2 BC की BE का मान हमने निकाल लिया है। अब देखिए, AE स्क्वायर AB स्क्वायर, अब देखिए BC का वर्ग करेंगे तो BC स्क्वायर/4, क्योंकि हमें सिद्ध करना है तो AB भुजा लेनी है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, AB बराबर BC, AB बराबर BC बराबर AC लिख सकते हैं, जैसे भी हमें जरूरत आवश्यकता होगी उसी प्रकार हम भुजा को लिखेंगे। तो AE स्क्वायर AB चाहिए तो AB रख लिया, और BC की जगह हम लगा देंगे AB, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यह लिख दिया हमने BC बराबर AB। तो AE स्क्वायर बराबर 4, इसका लघुत्तम हुआ, तो 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो AE स्क्वायर 4 में से एक गया तो बच्चों 3/4 AB स्क्वायर लिखो, तो लिखो AE स्क्वायर का मान 3/4 AB, समीकरण नंबर डालना चाहते तो डाल दीजिए। अब देखो AE का मान आ गया, अब हमको निकालना है DE, तो DE कैसे निकालेंगे, DE बराबर BE माइनस BD, आपको बिल्कुल इजी लगेगा, किताब में वैसे नहीं, मैं बता रहा हूं ऐसे समझ लीजिए। AE का मान चाहिए
और डी ई का, ए का वो आ गया, डी का मैं बता रहा हूं। तो डी ई बी का बी बराबर कितना है, एक बट्टे दो बी सी माइनस बी डी का मान है एक बट्टे तीन बी सी। अब डी ई लघुतम हुआ छ, तो तीन बी सी माइनस दो बी सी, तो डी ई बराबर एक बचा तीन में से दो गए एक बट्टे छ बी सी, बी सी की जगह वही ए बी लिख देंगे, तो डी ई बराबर एक बट्टा छ ए बी दो। अब लीजिए, अब त्रिभुज ए डी ई में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एडी में कर्ण क्या हो गया एडी, तो एडी का स्क्वायर बराबर डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एडी स्क्वायर डीई का मान है तुम्हारा एक बट्टे छ ए बी, तो एक बट्टा छ ए बी का स्क्वायर हो गया, ए का मान है तुम्हारा ए स्क्वायर का ही दिया हुआ तीन बट्टे चार ए बी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बट्टे में छह का वर्ग छत्तीस प्लस तीन बट्टे चार ए बी स्क्वायर। अब यहां समझिए, यहां केवल डी ई का मान दिया हुआ था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए बी स्क्वायर और छह का वर्ग छत्तीस। अब ए स्क्वायर का तो पहले ही दिया हुआ है तो हमने सीधा मान लगा दिया, इसका लघुतम लेंगे, इसका लघुतम छत्तीस और चार का लेंगे तो छत्तीस आएगा। मैं थोड़ा यहां साफ कर देता हूं, जगह नहीं है, ये लिख लिया होगा आपने, तो ए डी स्क्वायर छत्तीस इसका लघुतम हो गया, तो ए बी स्क्वायर प्लस चार का भाग छत्तीस में नौ बार नौतियों सत्ताईस ए बी स्क्वायर। अब ये भाग में तो इधर किस में जाएंगे गुणा में, छत्तीस ए डी स्क्वायर सत्ताईस और एक अट्ठाईस ए बी स्क्वायर, चार के पाड़े से इसको काट देंगे ये नौ आ जाएंगे और चार का भाग इसमें देंगे तो ये सात हो जाएंगे, तो ये लिख देंगे नौ ए डी स्क्वायर इक्वल टू सात ए बी स्क्वायर। ये आपका सिद्ध होगा इत सिद्धम। आशा करता हूं कि आपको तीनों ये प्रश्न, दो प्रमेय और एक प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।